जय बाबा की। दोस्तों कैसे हैं आप? लगता हूँ प्रभु से स्वस्थ रहें, मैं भी स्वस्थ हूँ और आप भी स्वस्थ रहें। वीडियो को पूरा वाच करें, हमसे जुड़े रहें। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त जाना पहचाना, यूपी शहर अलीगढ़ का रहने वाला, और आपके लिए एक स्पेशल उपाय लेकर के आया हूँ। आप परेशान हैं टाइफाइड से, टाइफाइड हमने जाँच कराई, टाइफाइड आ गया रिपोर्ट में, और दवाई खाते खाते भी 2 महीने हो गए 3 महीने हो गए टाइफाइड नहीं ख़त्म हो रहा है। तो भाई ऐसे में क्या करें? बिल्कुल भी घबराने की कोई भी बात नहीं है दोस्तों। टाइफाइड को ख़त्म करना बहुत ही इजी हो गया है इस समय पे, और अब नई नई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ की खोज होती जा रही है। और जे पुराना मैं जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जो उपाय जो बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सदियों पुराना है, और इसको पहले करते थे। पहले दवाइयाँ नहीं थी तो इसी प्रकार से टाइफाइड को सही करते थे। तो मैं आपसे कहूँ कि पहले तो आप अपने बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर से मिलें, उनकी सलाह लें और उनसे अपना इलाज कराएं और कराते रहें। और ये जो उपाय है दोस्तों, आप कोई भी दवा चल रही है वो दवा भी चलने दें और इसको भी खाते रहें, इससे कोई भी नुकसान नहीं है। और ये खाने वाली चीज़ है जो आप खाने की तरह खा सकते हैं और मेवा की तरह खा सकते हैं, बहुत ही इजी सिंपल है दोस्तों। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है आपको। हमारे चैनल पर आपके नॉलेज भरे और आपके भविष्य में काम आने वाले वीडियो मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल पर एक बार जरूर जाएं दोस्तों। किसी प्रकार का खिलाया पिलाया करा धरा जादू टोना जो भी होता है बिल्कुल समाप्त होता है 10 मिनट के अंदर। हमारे यहाँ पर बिल्कुल फ्री सेवा है, कोई भी चार्ज नहीं लगता आपका, और आपके हाथ देख करके भी बताया जाता है। और आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है कुछ वीडियो में, आप देखेंगे हमसे जुड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब शुरू करता हूँ मैं आपके लिए, जो कि जो मैं एक आपके लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय लेकर के आया हूँ। जो दवा खा रहे हैं वो खाते रहें और ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको, और बहुत ही सिंपल और इजी उपाय है। जब देखा है आपने, सुना होगा, गए भी होंगे और बोतल भी चढ़ गई, इंजेक्शन भी लग गए, जांचें होती रहती हैं, तो बार बार टाइफाइड आ जाता है, टाइफाइड के बाद में इन्फेक्शन भी आ जाए और तरह तरह की टाइफाइड के बाद में समस्या चलती चली जाती हैं, प्लेट वगैरह भी गिर जाती हैं, डाउन हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों। शनिवार के दिन से या मंगलवार के दिन से या शुक्रवार के दिन से, ये 3 दिन से आप ये नुस्खा ये काम आप कर सकते हैं, और बहुत ही जी मात्र 10 रुपये में ये काम और ये शुरू होने वाला दिक्कत समस्या ख़त्म हो जाएंगी। टाइफाइड जैसी समस्या 10 रुपये के सामान से बिल्कुल आप समाप्त कर देंगे दोस्तों। तो करना क्या है आपको बता दें, जैसे कि शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार से आप शुरू करते हैं दोस्तों, तो आपको 2 लड्डू बूंदी के लेकर के आने हैं। बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, 2 लड्डू बूंदी के लेकर के आने होते हैं, जो कि टाइफाइड हो जाता है पुराना, तो उसको बोलते हैं दोस्तों झूठा बुखार। टाइफाइड यानी टाइफाइड झूठा बोल सकते हैं, या हम देसी भाषा में बोलते थे झूठा बुखार इसको बोलते हैं। जब टाइफाइड ठीक ना हो रहा हो या बुखार ठीक ना हो रहा हो तो उसको हम झूठा बुखार बोलते हैं, जो कभी आ गया कभी सही हो गया, पूरे बदन में दर्द, बेचैनी, घबराहट, नींद ना आना, और दवा खाते खाते भी ठीक नहीं रहते, फायदा नहीं होता है, पूरी तरह ठीक नहीं रहते, तो इसको बोलते हैं हम झूठा बुखार। तरह तरह के डॉक्टर दवा खाते रहे, ये हो गया वो हो गया, जाँचें भी कराएं, और वो उसको झूठा बुखार बोल देते, वो सही नहीं होता। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल टेंशन ना लें, और आपको बहुत ही जीसा सैंपल है। शुक्रवार के दिन आपको दोस्तों 2 लड्डू लेने हैं, जो कि बूंदी वाले होते हैं, मरीज़ को ऊपर से उतारने के बाद में 11 बार उतारने के बाद में 2 बूंदी के लड्डू आपको काले कुत्ते को खिलाने हैं। सबसे पहले तो यह करना है, उसके वास्ते बस आपको कुछ नहीं करना है। जो मुनक्खा होते हैं दोस्तों, मुनक्खा मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले अपनी प्लेट दिखाता हूँ मैं, जो क्या क्या सामान मैंने लिया है। तो ये देखिए, ये तो मैंने मुनक्खा ले रखे हैं दोस्तों, आप समझ जाएंगे, ये पुराना नुस्खा है, मुनक्खा है जी, और ये है दोस्तों खूब कला बोलते हैं, और ये मात्र 10 रुपये की ये मैंने ख़रीदा है मुनक्खा, ये सॉरी खूब कला, और ये मुनक्खा मेरे घर में पहले के भी थे और आप ले सकते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा टाइफाइड वाले मरीज को क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तों। ये खूब कला को आपको देखना है, बीच में से फाड़ने के बाद में इस तरीके से बीज निकाल लेने हैं। बीज निकालने के बाद में जो आपने इसमें से बीज निकाले हैं, जो कि इनमें से आपने बीज निकाले हैं इनमें से, तो इसमें से बीज निकालने के बाद में इनके अंदर आपको
ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, इनके अंदर से बस ये है इस तरीके से करना है। इसमें थोड़ा सा ये बीज जो निकाले हैं उसमें से उसी के अंदर ये खोखला को भर देना है, इस तरीके से खोखला को उसको भर देना है इसके अंदर जो बीज निकाले हैं, उसके बाद में ये इस तरीके से करके रख देने हैं। यानी कि एक खुराक में आपको ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 मुनक्खे ले सकते हैं मरीज के लिए, छोटा बच्चा है तो उसके लिए 3 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, और ज़्यादा छोटा बच्चा 2 ले लें, 1 ले लें, ज़्यादा छोटा बच्चा तो वो खा ही नहीं पाएगा। और इसको इस तरीके से 5 मुनक्खे तैयार करने के बाद जो लोहे का तवा जो होता है दोस्तों, हम जो खाना बनाते हैं महिलाएँ रोटी बनाती हैं, उस पर इनको गर्म कर लेना है। इनको गर्म करने के बाद में दोस्तों मुनक्खों को 5 मुनक्खे एक खुराक में लेने हैं, और जो आपकी 5 मुनक्खे की एक खुराक तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको दिन में कम से कम 2 बार ले लेने हैं, और जो दवा चल रही है वो चलने दें। आप देखेंगे 4 खुराक लेने के बाद में ही आपका बुखार नॉर्मल हो जाएगा, और टाइफाइड की जो शिकायत थी वो बहुत ही कम हो जाएगी। जो दवा चल रही है, मैं बंद करने के लिए नहीं बोल रहा, वो चलने दें। दवा के आधे घंटे आगे पीछे इसको खा सकते हैं। ये एक बहुत ही कारगर टाइफाइड का उपाय है, और ये जड़ी बूटी भी बोल सकते हैं, दवाई बोल सकते हैं, उपाय भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये बात रही यहाँ की दोस्तों, अब बताते हैं आपको टाइफाइड वाले मरीज को किस किस चीज़ों से बच के रहना चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों, टाइफाइड के मरीज को ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा भारी खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे कि अचार हुआ खाने में नहीं लेना चाहिए, और तेज मसाले वाली चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अचार वगैरह ले, मिर्च का ले लेते हैं, आम का ले लेते हैं, और खाना बनाया तो मिर्च सब्ज़ी में ज़्यादा तेज मिर्च लगा ली डाल देते हैं, वो नहीं लेना चाहिए आपके लिए। चावल नहीं खाने चाहिए, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इन चीज़ों से भी बच के रहना चाहिए टाइफाइड वाले मरीज से। अगर प्लेट वगैरह कम आ रही है टाइफाइड वाले मरीज की, तो फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक आती है वो ले सकते हैं, डॉक्टर के हिसाब से, डॉक्टर की सलाह से जो ले सकते हैं आप। तो और जो चने होते हैं भुने हुए चने, उनको ले सकते हैं। और दोस्तों भुने हुए चने भी आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर साहब की सलाह से। मेरे हिसाब से चने ठीक रहते हैं, जो कि ब्लड बढ़ाने में सहायक होते हैं और टाइफाइड में फ़ायदेमंद रहते हैं। भुने हुए चने दोस्तों आप ले सकते हैं। और पानी भी पीना है तो दोस्तों कैसे पीना है वो मैं आपको बता दूँ। पानी को अच्छे से उबाल के रखिएगा, उबालने के बाद उसको एक बर्तन में भर के रख लें, ठंडा कर लें, नॉर्मल हो जाए उसके बाद पी सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गर्म करें, गर्म गर्म पिए नहीं, गर्म पानी उबाल के रख लें, उसको ठंडा करके उसको पीते रहें। ठंडा पानी का सेवन ना करें टाइफाइड में, और गर्म पानी को उबाल के ठंडा करके पिए, बहुत ही अच्छा लाभ होगा, और आपका टाइफाइड 8 दिन के अंदर बिना परेशानी के सॉल्व हो जाएगी टाइफाइड की समस्या दोस्तों। तो ये आपको मैं बता दें बहुत ही फायदेमंद उपाय है। और ये 2 लड्डू शुक्रवार के दिन मैंने जो बताया था, झूठा पड़ जाता है बुखार, टाइफाइड का बुखार, 2 लड्डू शुक्रवार के दिन कुत्ते को जरूर उतारने हैं, उसके बाद में आप ये उपाय करें। दवा चल रही है आपकी, चलने दें, बिना परेशानी के, बिना टेंशन के गारंटी देता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, टाइफाइड आपका ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। और भी क्या चल रहा है टाइफाइड के साथ में, जो आपके डॉक्टर हैं उनको पता लगेगी, वो उनको पता होगी दोस्तों, उसी हिसाब से उनके हिसाब से दवा उनके हिसाब से चल देते हैं। मैं बता रहा हूँ मेरा जो ये भी कर सकते हैं, इससे कोई भी नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदे हैं दोस्तों। मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कुछ भूल रहा हूँ तो शाम को 8 बजे के बाद मैं लाइव आता हूँ, मुझे लाइव बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत है मुझसे बातें कर सकते हैं आप, कोई भी समस्या है तो दोस्तों। और आपको हमारे चैनल पे आपके भविष्य में काम आने वाले वीडियो मिलेंगे, आप हमारे चैनल पे जाएं एक बार, बहुत अच्छी लाभकारी वीडियो मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आज का, चलते हैं, जय माता की, जय बाबा की।